हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चलो मैं आज आपको सिंधी रेसिपी लेके आई हूँ मैं आपके सामने। आपको एक मीडियम साइज़ का अपना बैंगन ले लेना है एक आपको, और बैंगन को पतला पतला काट लेना है इस तरह। नहीं हाँ, इस तरह ने आपको बैंगन को पतला पतला काटना है दोस्तों। अपना बैंगन अब कट के तैयार हो गया। अभी बीच में से अपने चाकू से उसको चीरे लगाने इस तरह नहीं, क्योंकि अपना अच्छी तरह नहीं मसाला भर जाए अंदर और तल जाए अच्छी तरह नहीं तेल में। ये बैंगन इतना मस्त बनता है, बच्चे नहीं खाएंगे तो बच्चे भी खाने लग जाएंगे। आपके बैंगन इतने मस्त बनते, आप एक बार ट्राई करो। ये बैंगन हमारे सिंधी बैंगन है। ये 4 से 5 आलू ले लेने हैं आपने, उसको छिलके उतार देने हैं आपको। अभी आलू को भी आपको पतले पतले काट लेने इस तरह। नहीं ये दाल चावल के साथ आलू बैंगन बहुत मस्त बनते लगते हैं दोस्तों, खाने में भी एकदम टेस्ट। बच्चे भी खाएगी आपके, बैंगन नहीं खाएंगे ना तो वो भी बैंगन भी खाने लग जाएंगे। आप इस तरह नहीं बैंगन बना के दोगे बच्चों को तो। आपका आलू भी अभी कट कर तैयार हो गए। अभी एक कढ़ाई में आपने तेल चढ़ा दिए, अब एक एक करके आपने बैंगन डाल देंगे अंदर। जब तक आपको बैंगन को तलना है, जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो, जब तक आपको बैंगन ना तलना है अच्छी तरह नहीं, इस तरह नहीं। देखो इस तरह ने आपको बैंगन तलने हैं। अभी सारे बैंगन आपको इस तरह ने तल लेने हैं दोस्तों। अभी आलू भी आपको तल लेने हैं इस तरह ने। आपको तेल में नहीं तलना है तो चाहो तो आप कढ़ाई में वो तवे पे भी आप फ्राई कर सकते हो बैंगन को। देखो आलू भी अपने तल चुके हैं। अभी देखो इस तरह ने आपको आलू तलने। अभी एक कटोरी ले लेनी है आपको, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। 1 से 1.5 चम्मच आपको धनिया पाउडर डाल देना है। 1 चम्मच मिर्ची डाल देनी है, मिर्ची पाउडर डाल देना है आपको। अभी अच्छी तरह ने उसको मिला देना है। आपने सूखा मसाला अंदर लगाना है दोस्तों। अभी जो आपने बैंगन तले थे ना, वो अपने उस पर मसाला लगा देंगे अच्छी तरह नहीं, हाथ की सहायता से अपने। अभी हाथ की सहायता से आपको अच्छी तरह नहीं मसाला लगा देना है इस पर बैंगन पर। ये बैंगन आप एक बार खाओगे ना बना के तो आपको बार बार खाने की इच्छा होगी। ये बैंगन दाल चावल के साथ बहुत मस्त बनता है बैंगन, लगता है खाने में बहुत टेस्ट आता है उसमें। सारे बैंगन में आपने मसाला इस तरह नहीं लगा देना है दोस्तों। आपको मेरे वीडियो पसंद आवे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। अभी आलू में भी आपने मसाला सारा सूखा डाल देना है। ये देखो अपने आलू बैंगन बन के तैयार हो गए। देखो बच्चे भी खुश होकर खाएंगे, साथ में आलू भी है और बैंगन भी है। ये हमारे सिंधी रेसिपी है दोस्तों। आपको पसंद आवे तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों।